वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालेहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालेहीन ऑफिशियल نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارك کا پہلا جمعہ اور اس کا بہت ہی پر تاثیر مجرب ترین عمل جس کی بدولت اللہ آپ کو رزق پورا سال اتنا وسعت سے دے گا کہ آپ ہزاروں سے کروڑوں میں چلے جائیں گے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں ارب پتی بھی بن سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں میں نے بہت سے लोग ऐसे हैं जो बहुत हमारे खास ताल्लुक है उनका और मैंने उनको कुछ आमाल ऐसे बताए और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में मौजूद हैं। लाखों में थे, आज अरबों खरबों में पहुंच चुके हैं और उनमें से एक बड़ी तादाद है जो आज भी हमारी कदरदान है, हमसे मोहब्बत रखती है, अकीदत रखती है और अल्लाह उनके माल में वुसअत अता फरमाते हैं। चूंकि हमारा काम रहनुमाई करना है और सिदके दिल से बगैर लालच और हिर्स के, जब हिर्स नहीं होती, लालच नहीं होती तो फिर जब आपको रहनमाई करते हैं तो अल्लाह आपके माल में वुसअत अता फरमा देते हैं और आप यकीन मुहकम के साथ पढ़ते हैं। और ऐसे माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद बिजनेस में है जिन्होंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया और इस अमले मुजर्रब से उनका बिजनेस इतना बढ़ गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास अरबों खरबों रुपया मौजूद है, प्रॉपर्टी मौजूद है, बिजनेस उनका बढ़ रहा है और आज भी वो आके दुआएं कराते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर कंट्री से हमसे ऐसे वज़ाइफ लेके इजाजत से जब कर रहे होते हैं तो वैसे ही तोहफा भेज देते हैं कि आपका ये गिफ्ट है, हमारी तरफ से हदिया है। क्यों? कि अल्लाह उनके माल में वुसअत करता है। और याद रखें, जब आपके साथ कोई नेकी करता है, जब आपको कोई रहनुमाई करता है तो उसको तस्लीम करें। जो बंदा अपने उस्ताद को या अपने मोहसिन को भूल जाता है तो वो बंदा फिर तरक्की नहीं कर सकता। आज अपने वालदैन से दुआएं लोग नहीं लेते, अपने साथ से नहीं लेते, तो याद रखें मैं इतना खास अमल आपको दूंगा, अगर आपने पहले जुमा को इसको रमजान के कर लिया तो आप पूरा साल इसको हर जुमे को फिर किया करें। मैं बहुत बड़े लफ्ज आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको हर जुमा फिर पूरा साल अपना वजीफा बना लें। सिर्फ आपके 5 मिनट लगेंगे लेकिन रिस्क आपका लाखों से करोड़ों अरबों में चला जाएगा, आप मोहताज नहीं होंगे। मैं ऐसे दर्जनों लोग आपके सामने अभी इस दुनिया से पेश कर सकता हूँ लेकिन चूंकि हम यूट्यूब पे कोई चीज शेयर नहीं करते जिसमें नमूदो नमाइश हो, जिसमें हम बंदों के जो है इंटरव्यू के मेरा ये काम हो गया वो हो गया, करने वाला अल्लाह है, हम रहनुमाई करने वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आपको खुद मिल जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुद इस चीज का इजहार करते हैं तो आप परेशान हाल नहीं रहेंगे, अरबों खरबों में चले जाएंगे। मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये मुजर्रब अमल है और हमें उस निस्बत से इजाजत है। मैं हर मर्द औरत को इजाजत देता हूँ, औरतें घरों में कर सकती हैं, जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़े तो वहां कर सकती हैं, हमारी शेबी मस्जिद में तो औरतें भी जुमा पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को भी जुमा में जाना चाहिए ताकि बयान सुन लें और इज्तमाईयत कायम हो। अब आपने ये अमल मुख्तसर कैसे करना है, जुमा की नमाज के बाद इमाम सलाम फेरे, दुआ करे, आपने दुआ के बाद उठना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, आपने हयत चेंज नहीं करनी, अत्तहियात ही की सूरत में बैठकर, अगर कोई उजर है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आपने ये जुमला पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्मुअत्वी हुवल्लाह, अल्मुअत्वी त्वा है, त्वा ता नहीं है, दो नुक्तों वाला नहीं है, त्वा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्मुअत्वी हुवल्लाह, त्वा के बाद या भी है, याद रखें, पढ़ने का तरीका सीख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्मुअत्वी हुवल्लाह, हर बार बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी है और 70 बार पढ़ना है और अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूशी पढ़ लें, कोई भी दुरूशी, और फिर उसके बाद दुआ कर लें। हर जुमे को ये अमल किया करें। औरतें घर में जोहर की नमाज पढ़ के ये फौरी फर्जों के बाद पढ़ सकती हैं। इंशाल्लाह पूरा साल आपका रिस्क यूं उठेगा कि आप हमें दुआएं देंगे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।